हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम जा रहे हैं गुड़गांव मानेसर। मानेसर में एक कासन गांव के अंदर काफ़ी पुराना मंदिर है, विचित्र मंदिर है। और आज हम बाइक से जा रहे हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं गुड़गांव की तरफ। मिलेंगे गुड़गांव। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गुड़गांव मानेसर। आज हम आए हुए हैं गुड़गांव मानेसर के IMT के अंदर। यहाँ पे एक पहाड़ी पे एक मंदिर है, जिस पहाड़ी की काफ़ी महानता है। आदमी काफ़ी दूर से आता है इसमें मानता मन्नत मांगने के लिए, उसकी मन्नतें पूरी होती बताया जाता है। आज हम देखेंगे पहाड़ी के ऊपर मंदिर, ये मंदिर बनाया गया है काफ़ी ऊँचाई पर। आज हम देखेंगे ऊपर जाके इस पहाड़ी। दोस्तों आपने देखा होगा देवों का देव महादेव को, नीलकंठ पे देखा होगा आपने, अमरनाथ पे देखा होगा, लेकिन आप देखिए कासन के एक पुराने मंदिर के अंदर, बहुत ही एक विशाल रूप के अंदर जो ये प्रतिमा आपने देखी होगी, लगता है पूरे कांसे की बनी है, तांबे की बनी है और चेहरा देखने में कितना आपको मनमोहक लगता है इसके जो भी है। तो लोग देखिए एक बार साथ में, देखिए नंदी बाबा के दर्शन कीजिए आप लोग। दोस्तों 12वीं सदी में इस मंदिर की नींव खुदी गई थी। उस ज़माने में इसमें कुछ प्राचीन चीज़ें निकली गई थी, जैसे हम देखेंगे आपको ये सब चीज़ें उसी ज़माने की निकली हुई है। ये देखो 12वीं सदी की।
ये राधा कृष्ण का मंदिर है। ये बताया जाता है कि ये मंदिर 150 से 200 साल पुराना है। यहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने लोग हैं, उनसे मुलाकात की हमने तो उन्होंने बताया काफ़ी पुराना मंदिर है। पीछे ये एक प्राचीन बाबरी है, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं काफी काफी दूर से, वो स्नान करते हैं। जो उनको कोई बीमारियाँ होती हैं, बताया जाता है कि उनकी बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं। काफी टाइम से काफी दूर दूर से लोग वाग आते हैं यहाँ पे। बहुत पुराना है ये भी बाबरी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीचे से 500 फुट की ऊंचाई पर। तो देखो इस ऊंचाई पर से कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मारुती भी बनती है, ये देखो काफ़ी बड़ी मारुती का उद्योग बना हुआ है। कम से कम जो है इतना पुराना है, 1301 ईस्वी का सिक्का निकला है। ठीक है बाबा, तो उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा पुराना होगा तो सिक्का ही निकला था। ठीक है बाबा। तो बाबा ये जो भक्त लोग ये नमक और ये झाड़ू लाते हैं, किस लिए पीठ में काम कर रहे हैं? ये भगत जी को भगत लोग नमक चढ़ाते हैं, झाड़ू चढ़ाते हैं, तो नमक के कुछ होते हैं चरम रोग, जिसको चरम रोग होता है दाँत कैसे ठीक नहीं होते हैं, वह नमक चढ़ाने से जिस दिन नमक चढ़ा उनसे उसी दिन से कुछ ठीक होना होता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ के जो प्राचीन बाबा है उन्होंने हमें ये बताया है कि जो मठ है बाबा का जो यहाँ पे चूना अखंड मठ जलता रहता है, इसके अंदर जो है कि जिन भक्तों को चर्म रोग की शिकायत है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो वो मेले में कभी भी किसी भी दिन आकर एक नमक और एक झाड़ू उसको एक बाबा के किरणों में चढ़ाइए और आजीवन मुक्ति पाइए। तो मेरा तो कहना है दोस्तों, अगर आप कासन में कभी आए नहीं है तो कासन काफ़ी खूबसूरत जगह है, हमारे जो के ब्रांड लगे हुए हैं। और दोस्तों एक खास बात बाबा ने बताई कि हर चतुर्दशी को भंडारा भी होता है, कि जो भी सज्जन आ सकते हैं तो उनको प्रसाद बाबा की तरफ से ग्रहण कर सकते हैं हम लोग। जिसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है, अगर आपको कभी देखा ना हो तो एक बार जरूर देखे रहिए। और मात्र ये दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ पे हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं, जो इतिहास में कभी मालूम ना हो आपको इस चीज़ के बारे में मिलेगी। लेकिन वो जो है आजकल जाकर देखना चाहती है प्रेस वाले हो तो आप चंडीगढ़ मौजूद है। दोस्तों ये देखो काफ़ी पुराना मंदिर है, करीब 800 साल पुराना। तो इन्होंने यहाँ के जो पंडित जी हैं और जानकारी जो भी हैं उन्होंने ये कहा था कि इसको तोड़ के इसे बढ़िया करके बना देते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्त्री लोग आए, उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की, छेनी हथौड़ी लगाई उन्होंने, जैसे ही लगाई तो उनको भगवान के दर्शन हुए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मंदिर टूटा नहीं जाएगा, तो उस वजह से ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था 800 साल पहले, आज भी वैसा ही है। पंडित जी मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे आप? तो यहाँ कौन कौन आए थे बाबा शुरू में? शुरू में यहाँ आए थे, वो भ्रमण करके जो है काशी जी गए थे यहाँ, कासन के नाम से पूरे मन को काशी जी देते हैं।
जिनका नाम था चौरंगीनाथ पुरंत सिन्हे गोरखनाथ रखा था जी। इनका घर का जो घरेलू नाम था बाल बच्चे का नाम था लक्ष्मी का वो था पूरण जी। गुरु गोरखनाथ जी के पास आए थे इनका नाम रख दिया चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ बाकी वो तो नाथ की जमात थी। ठीक है सही है। जब चौरंगीनाथ को आदेश दिया था जाओ आप जो है काशी जी तपस्या का काम। ठीक है। अब बताते हैं काशी जी पहाड़ क्या तरफ है। तो यहाँ भी पहाड़ थे, पहाड़ी देख कर गाँव सुना कास्तन पर कास्तन गाँव है। तो उन्होंने पूर्णमल जी ने सोचा अब भाई यही काशी जी होगा। उन्होंने यही शंख बता दिया, रात को यही दोनों रवा दिया। बाबा विशाल जिसको हम बोलते हैं वो ठाकुर था राजपूत, वो उनका खाना ले गया था। शंख बजाया तो उन्होंने सोचा भाई कोई महाराज भुक्का है कोई आया होगा। तो बाबा विशाल जो है नाम का देवी सहायक था लेकिन बाद में विशाल के नाम से मशहूर हो गए, वे जो हल्का खाना लेकर आए थे। जब तक बाबा पूरनमल ने चौरंगीनाथ ने यहाँ से तपस्या की बाबा जो है विशाल ने उनकी सेवा की। जब वो यहाँ से चलने लगे बोले जी हम तो पता नहीं रमते राम फकीर है किस धाम को किस टाइम चले जाए हमें नहीं पता। तो जब बाबा विशाल ने उनके पैर पकड़ लिए थे बोले गुरु जी आप तो चले जाओगे मेरा क्या होगा। जब पूरनमल ने चौरंगीनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया था जाओ बेटे तुम ही पूछोगे मेरे नाम से, तो मेरे नाम से पहले आपके जयकारा लगेगा आपकी ही पूजा होगी। तो आज बाबा विशाल की यहाँ पहली पूजा होती है, बाबा भक्त पूर्णमल की बात होती है चौरंगीनाथ की। लेकिन इनके एक मिनट इनकी एक सर वो है जो चीज़ मानते हैं उनको मनोकामना पूर्ण सिद्ध बाबा कहते हैं, इनको मनोकामना पूरी कर सकते हैं, ये इनका जो है वरदान साबित है बाबा। तो दोस्तों देखा आपने राजू बाबू ने जो हमें जानकारी दी बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुरानी जानकारी दी जो आप लोग और हम लोग किसी को भी नहीं मालूम है गुरु गोरखनाथ के बारे में इस पर भी। और जिस तरह वो इन्होंने आए काफ़ी पास से 700-800 साल पहले और जिन्होंने जिसके कारण यहाँ पर मंदिर में अपना स्थान लिया और कुछ बातें आपने सुनी भी है कुछ बहने भी सुनी है और बाकी मुझे सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई हमारे यहाँ कासन के अंदर ऐसा इतनी पुरानी धरोहर है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। मानेसर के कासन गांव में पहाड़ी पे एक मंदिर है, आज हम ये घूमे और इसके बारे में हमने जानकारी भी ली। और आप दोस्त भी सब ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को कमेंट्स करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, कोई बढ़िया अच्छी वीडियो में मिलेंगे फिर। बाय।